कानून बताइए मेरे को, आपसे मुझे भाषण नहीं सुनना है। मैंने आपको पहले बोला था कि आपको कानून का ज्ञान नहीं है, ध्यान से सोचिएगा बहस शुरू करने का नहीं। आप यहाँ पे घर में नहीं बैठे हो, तो आप चाहते हैं कि आपके चाचा और ताया जो भी हैं वो सड़क पे रहे, वो मकान भी ना बनाए। हम ये चाह रहे थे जब तक निर्णय, आपके चाहने से काम नहीं चलेगा। कानून बताइए कि कानून में आपको अधिकार है कि नहीं। आप तो चाहने के लिए तो आसमान में से तारे भी तोड़ लाएंगे। आगे बताइए क्या कहना चाहते हैं सर। ये इसमें तो ये कह रहे सर कि जैसे मकान निर्माण पे जो है सर स्टे हमें नहीं मिल पाया है, और बाकी जो है अगर वो मकान का निर्माण कर लेंगे तो सर हमें बहुत क्षति होगा। क्या क्षति होगी सर? इसमें ये क्षति होगा सर कि मान लीजिए जैसे अगर हम मुकदमा अगर जीत जाते हैं आपको मकान के समेत मिल जाएगा, उसमें क्या? आपको तो बना बनाया मकान मिल जाएगा। नो सर, पर हमें तो दिक्कत आएगी ना सर। क्या दिक्कत आएगी? दूसरे आदमी को सड़क पे लाके आपको प्रसन्नता होगी क्या? नो सर, वो जमीन के ऊपर मकान बना रहा है तो जमीन की कीमत ही तो बढ़ेगी सर। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि दूसरा आदमी सड़क पे रहे। नो सर, फिर क्यों मकान बनाने देना चाह रहे हैं जबकि आपके हिसाब से सभी हक है? सर हक है, लेकिन बंटवारा भी हुआ। बंटवारा हुआ नहीं है जी सर। अब आप मुझे ये बताइए कि जब दो व्यक्तियों का हक है तो क्या वहाँ पे स्थगन आदेश पारित किया जा सकता है? बिल्कुल सर। कानून बताइए मेरे को, आपसे मुझे भाषण नहीं सुनना है। मैंने आपको पहले बोला था कि आपको कानून का ज्ञान नहीं है, ध्यान से सोचिएगा बहस शुरू करने का नहीं। आप कानून पे बात करेंगे कुल मिला के। आप यहाँ पे घर में नहीं बैठे हो, आप बताइए जब दो व्यक्ति आपके हिसाब से बराबर का हक है तो क्या व्यादेश या स्थगन आदेश जारी किया जा सकता है? कानून क्या कहता है सर? अगर बराबर के हकदार हैं तो बिल्कुल स्थगन आदेश नहीं जारी किया। नहीं किया जा, आपको मालूम है जी। फिर आपको इतना भी आदेश कैसे मिल गया जितना आदेश आपको मिला है? सर ये पारिवारिक संपत्ति है। ये आपको ये इतना भी आदेश कैसे मिल गया? आपको तो इतना भी आदेश नहीं मिलना चाहिए था जितना मिल गया आपको। आप सही कह रहे हैं कि जब दो व्यक्ति जिनका की बराबर का हक है उसमें स्थगन आदेश जारी नहीं हो सकता है जी। तो ये आधा अधूरा भी जो स्थगन आदेश आपके पक्ष में जारी हो गया है वो भी कैसे हो सकता है ये इतना बता दो जी। अभी आपका कहना है कि आपके पिताजी ने अपने भाइयों के नाम से संपत्ति खरीदी थी, परंतु वो पैसा जो था संयुक्त संपत्ति का था जी सर। आपने ये बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट पढ़ा है कभी? नहीं सर। नहीं पढ़ा है। उसके हिसाब से जिस व्यक्ति के नाम के ऊपर संपत्ति हो उसकी वो संपत्ति उसी की ही मानी जाएगी जी सर। मालूम है जी सर। मालूम है। फिर आप कैसे कह रहे हो कि आपके पिताजी ने उनके अपने भाइयों के नाम पे खरीदा था और वो संयुक्त संपत्ति है, जब कानून आपको ये बात उठाने के लिए मना करता है? सर मेरे पिताजी और भाइयों के उनके भाइयों के साथ जब जो आपके भाइयों के नाम पे जमीन है आपके पिताजी के भाइयों में, जब वो संयुक्त संपत्ति हो ही नहीं सकती तो उसका बंटवारा कैसे हो सकता है? सर जो रजिस्ट्रियां हुई हैं भाइयों के नाम से, उस रजिस्ट्रियों में हमारे पिताजी के साइन के अलावा आपको मैंने पूछा कि ऐसा कानून आपको मालूम है जिससे कि आप ये डिफरेंस या ये ग्राउंड नहीं ले सकते कि ये संपत्ति भले किसी और व्यक्ति के नाम पे है परंतु वो मेरी संपत्ति है या संयुक्त संपत्ति है? आपको मालूम है ना कानून? फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो संपत्ति आपके पिताजी के भाइयों की नहीं है क्योंकि जबकि रजिस्ट्री उनके नाम के ऊपर है? तो जितना आपको आदेश मिल गया उतना ही वो भी नहीं मिल सकता मेरे हिसाब से। परंतु आप चाहते हैं कि आपके चाचा और ताया जो भी हैं वो सड़क पे रहे, वो मकान भी ना बनाए। आपका मकान कहाँ बना हुआ है? सर हम लोग एक ही परिवार एक ही जगह रहते हैं। एक ही जगह पे रहते हैं ना जी। ठीक है तो रहिए ना, खुशी खुशी रहिए। कौन मना कर रहा है? सर हम ये चाह रहे थे जब तक निर्णय, आपके चाहने से काम नहीं चलेगा। कानून बताइए कि कानून में आपको अधिकार है कि नहीं। आप तो चाहने के लिए तो आसमान में से तारे भी तोड़ लाएंगे। क्यों? क्योंकि आदमी की चाहत या सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर हमारे देश की सोच बड़ी नहीं होती तो मंगल ग्रह पे जाने की कोई सोचता भी नहीं। ठीक है ना, सोच तो बड़ी होनी चाहिए। परंतु मंगल ग्रह पे जाने के लिए सिर्फ सोच से तो नहीं गया ना, सही समझा कैसे होगा उसके बाद हुआ। वैसे जो आपकी सोच है बड़ी है कोई बात नहीं, पर कानूनी रूप से बताइए क्या वो सोच का फलीभूत भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आपके सोचने से थोड़े कुछ होगा। अब आप ये बताइए कि ये विस्तार में आदेश लिख दें कि आपका अधिकार नहीं बनता है। सर जैसा आप चाहें। नहीं नहीं, उसमें विचारण न्यायालय आपके विचारण न्यायालय का मन आपके खिलाफ बन सकता है हमारे आदेश के कारण।
तो आप विस्तृत रूप से आदेश चाहेंगे या इसको वापस लेना चाहेंगे, ये दोनों चीजों में से आप बता दीजिए। केस को वापस लेना है।